कार्टून्स। लंबू और टिंगू छत पर बैठे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं। पता है टिंगू, तेरी हाइट कम क्यों है और मैं इतना लंबा क्यों हूँ? क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी पापा मुझे बॉर्नविटा पिलाते थे। हद है, तू ही हंस ऐसे बोरिंग से जोक पर। अच्छा बाबा सॉरी। अरे टिंगू यार सुनना, ईद आने वाली है, कुछ बिरयानी बिरयानी का बंदोबस्त करो ना। जब देखो खाने पीने की बात, तुझे वैसे भी 2 क्विंटल बिरयानी लगेगी। तुझे तो पता है ना मेरे पेट में राक्षस बैठा है, उसको हर वक्त कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। अब जल्दी से बता क्या प्लान है। वैसे मोहम्मद भाई ने ईद पार्टी रखी है और मुझे बुलाया भी है, तुम भी साथ चल। अरे गजब, पिछले साल कितना मजा आया था ईद पार्टी में। हाँ इस बार भी तैयारी कर लो, दोनों खूब नाचेंगे गाएंगे खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे। ईद का दिन आ जाता है और दोनों ही नया लंबा कुर्ता पजामा पहनकर ईद पार्टी में चले जाते हैं। लंबू सबको नमस्ते करने लगता है। अबे लंबू मरवाएगा तू, नमस्ते नहीं झुक कर सबको सलाम कर। कितनी बार तुझे अदब सिखाना पड़ेगा, उर्दू में बोल सलाम वालेकुम। अरे भूल ही गया था मैं, लेकिन ज्यादा झुकूंगा तो कुर्ता फट जाएगा, वैसे भी मेरे साइज का कुछ भी नहीं मिलता। तू कभी नहीं सुधरेगा, कितनी बार बोला है तो तेरे साइज का कुछ भी रेडीमेड नहीं मिलता, तो सिलवा लिया कर। लेकिन बस वही रेडीमेड कपड़े खरीदेगा और वो तेरे साइज में मिलता भी नहीं। अब भगवान ने मुझे साबू जैसा बनाया तो क्या करूं? लंबू झुक कर सबको सलाम वालेकुम करने लगता है। सलाम वालेकुम भाई, ईद मुबारक हो। लंबू एकदम से नीचे झुककर अकरम को गले लगाता है। थोड़ी ही देर में सब लोग लाइन से खाना खाने बैठ जाते हैं। मैं भी खाना खाने बैठ जाऊं? नहीं पहले बाकियों को तो खिला दो। ठीक है बाबा, आग मत दिखा मुझे, पहले सबको खिला देते हैं। थोड़ी देर में सब लाइन से बैठ जाते हैं। लंबू टिंगू मोहम्मद सबको खाना खिलाते हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बस तू यही सब कर। अरे अब नाक थोड़ी बंद कर लूंगा। पीछे से माइक पर अनाउंसमेंट होती है, थोड़ी ही देर में सब हॉल में इकट्ठा हो जाए, कव्वाली नाइट शुरू होने वाली है। इस बार हमने तय किया है कि बेस्ट डांसर और सिंगर को अवार्ड देंगे, साथ ही 10,000 रुपए का इनाम भी। ये सुनते ही लंबू के कान खड़े हो जाते हैं। अरे टिंगू 10,000 रुपए? हाँ सुना मैंने, लेकिन उसके लिए नाचना और गाना आना चाहिए, मुझे तो दोनों नहीं आते। तू बस हर बात में मुझे डीमोटिवेट करता है, ऐसे थोड़ी चलता है। आज तुझे जीत कर बता दूं तो। तू और डांस? शर्त लगा ले फिर, बहुत हंस रहा है ना मुझ पर, आज मैं ही इनाम जीतूंगा। ठीक है मान ली तेरी शर्त, तू जीतेगा तो 5,000 मेरी तरफ से भी। थोड़ी ही देर में कव्वाली शुरू हो जाती है। ऐ मेरी जोहरा जफी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान। लंबू भी भाग कर कपड़े बदलने चला जाता है। अरे ये लंबू एकदम से किधर गायब हो गया, अभी तो यही था। तभी मोहम्मद की आवाज आती है। अरे टिंगू भाई आप बैठो, आपको भी खाना खिला देता हूँ, वैसे भी सबने खाना खा लिया है। आपके साथ वो लंबू भाई थे ना, वो किधर गए? पता नहीं अभी तो यही था। तभी पीछे से कव्वाली की आवाज आती है। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। बहुत जोर जोर से तालियों की आवाज आती है। मोहम्मद हॉल की तरफ चला जाता है, टिंगू भी खाना खाकर वहाँ पहुँचता है। अरे ये इतनी लंबी मोहतरमा कौन है, बाप रे लेकिन कमर क्या शानदार हिला रही है, सब लोग कितना आनंद ले रहे हैं। तभी मोहम्मद जोश जोश में स्टेज पर पहुंच जाता है और उस औरत के साथ नाचने लगता है। पूरे स्टेज पे सब जोर जोर से हुटिंग करने लगते हैं।
अरे लंबू किधर मर गया? एक तरफ तो कह रहा था कि तेज भूख लगी है और दूसरी तरफ गायब हो गया। तीसरी कव्वाली शुरू होती है। हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। लंबी औरत जोर जोर से कूद कूद कर नाचने लगती है। एक संतरा नीचे गिर जाता है। टिंकू की नजर उस पर जाती है। अरे ये तो लंबू है। हे भगवान, इसने तो शर्त जीतने की बात कही थी। लंबू अपनी मस्ती में भी अभी भी जोर जोर से नाच रहा होता है। मोहम्मद टिंगू के पास आता है। टिंगू भाई, आज ईद है, आपसे कुछ मांगूंगा तो दोगे? कैसी बातें कर रहे हो भाई, बोलो आप तो बस। वो जो लंबी लड़की नाच रही है ना, वो मुझे पहली नजर में पसंद आ गई, मेरी उससे बात चलवाओ ना प्लीज। ये सुनते ही टिंगू जोर जोर से हंसने लगता है। आप हंस क्यों रहे हैं भाईजान? नहीं, बस सोच रहा था, तुम्हारे लिए बहुत लंबी है ना वो तो। मोहब्बत ये सब थोड़ी देखता है भाईजान, वो कितनी सुंदर है। ठीक है भाई, इस मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। टिंगू मन में खूब हंसता है। असली मजा तो अब आएगा जब लंबू के बीच अब मोहब्बत पड़ेगा। मुझसे शर्त हार जाएगा लंबू। टिंगू गाना खत्म होने पर लंबू के पास जाता है। चुप रे टिंगू, मैंने बोला था ना, मैं ही जीतूंगा। हाँ बाबा हाँ, कितना जोरदार नाचता है तू। आज तू जीता और मैं हार गया। अच्छा, तुम्हारे लिए एक फोन है, वो तुमको इनाम देना चाहता है। वो किधर है? वो टेंट के पीछे खड़ा है, वही जज भी है, वो तुम्हें जितवा भी देगा। लंबू टेंट के पीछे जाता है जहां मोहम्मद बुके लेकर खड़ा होता है। मोहतरमा, आप कितनी सुंदर हैं, कितना अच्छा नाचती हैं आप। आप ये बुके के साथ मेरा दिल भी रख लो, आपने तो कयामत ढा दी आज। हुस्ने मलिका, क्या आप मुझसे निकाह करेंगी? ये सुनते ही लंबू के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब क्या है? यहाँ जरूर उस टिंगू की चाल है, लेकिन इस आशिकी का क्या करूँगा मैं? अगर सच बोल दिया तो इनाम नहीं मिलेगा। तभी मोहम्मद उसका हाथ पकड़कर कहता है। मोहतरमा, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, हमारे दो बच्चे होंगे। ये सुनते ही लंबू हाथ छुड़ाकर तेजी से भागने लगता है। मोहम्मद को कुछ समझ नहीं आता और वो लंबू के पीछे भागता है। उधर टिंगू दूर से ये सब देखकर खूब हंसता है। उसने मल्लिका।